आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके लिए दोस्तों ऐसे टॉप 3 स्मार्टफोन जो दोस्तों आपको इंडियन मार्केट में 5000 रुपये से भी कम की रेंज में देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, अगर आप इतनी कम रेंज में भी कोई स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, आपका बजट काफ़ी कम है, तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि कमाल के स्मार्टफोन की दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कौशिक, आप देख रहे हैं टेक स्टोरी यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो लिस्ट की दोस्तों शुरुआत करें तो लिस्ट में हमारा सबसे पहला स्मार्टफोन दोस्तों आता है जियो फोन नेक्स्ट। अब वैसे तो दोस्तों ये स्मार्टफोन लॉन्च तो आपको काफ़ी ज़्यादा में हुआ था, यानी कि 6,500 में हुआ था, लेकिन फिलहाल दोस्तों स्मार्टफोन की कीमत आपको काफ़ी कम यानी कि 4,499 देखने को मिलती है, 2GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज की। दोस्तों ये इंडियन मार्केट में जब लॉन्च हुआ था आपका 4 नवंबर 2021 को, आउट ऑफ द बॉक्स दोस्तों ये काम करता है प्रगति OS के ऊपर, जो कि दोस्तों सिर्फ और सिर्फ जियो फोन के लिए ही बनाया गया है। OS क्लीन है, अच्छा खासा देखने को मिलता है। साथ ही साथ दोस्तों स्मार्टफोन में कोलकॉम स्नैपड्रैगन का 215 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो भी सिर्फ और सिर्फ जियो फोन के लिए ही बनाया गया है। परफॉर्मेंस इस हिसाब से देखी जाए जो इसकी प्राइस है काफी अच्छी है। साथ ही इसमें 5.4 इंच की आपको एक HD+ डिस्प्ले देखने को मिलती है, गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन और 60Hz रिफ्रेश रेट, यानी कि काफी अच्छी डिस्प्ले प्रोवाइड करेगी काफी कम प्राइस रेंज के अंदर जियो ने। उसी के साथ दोस्तों स्मार्टफोन बैक में 13 का सेंसर है, फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है, साथ ही 3500mAh की एक बैटरी देखने को मिल जाती है स्मार्टफोन में। 512GB स्टोरेज को एक्स्ट्रा भी बढ़ा सकते हैं स्मार्टफोन में SD कार्ड के जरिए। सो फीचर्स दोस्तों काफ़ी कमाल के हैं इस स्मार्टफोन के, जिस हिसाब से इसकी प्राइस है यानी कि 4,499 रुपये, 2GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। तो लिस्ट का दोस्तों सबसे पहला स्मार्टफोन है जियो फोन नेक्स्ट। अब दोस्तों बात करते हैं लिस्ट के सेकंड बेस्ट स्मार्टफोन की। सो लिस्ट का सेकंड दोस्तों बेस्ट स्मार्टफोन सैमसंग की ब्रांडिंग के साथ आता है। जी हां दोस्तों, इस लिस्ट में भी आपके लिए एक सैमसंग का स्मार्टफोन है, जो कि दोस्तों है सैमसंग गैलेक्सी M01 कोर। ये स्मार्टफोन भी दोस्तों आपको काफी कम प्राइस रेंज में देखने को मिलता है, यानी कि 4,999 रुपये में 1GB रैम और 16GB स्टोरेज के साथ। लेकिन याद रहे, ये स्मार्टफोन रिटेल स्टोर में आपको इस प्राइस रेंज में मिल जाएगा अगर आप ढूंढना चाहते हैं, अगर आप लेना चाहते हैं इस फोन को। लेकिन ऑनलाइन मार्केट में वैसे प्राइस कुछ ज्यादा खास ज्यादा है नहीं, उसकी प्राइस आपको ऑनलाइन मार्केट में 5,249 रुपये के लगभग में देखने को मिल जाएगी। लॉन्च दोस्तों इंडियन मार्केट में 30 जुलाई 2020 को हुआ था। आउट ऑफ दी बॉक्स एंड्रॉइड 10 पर ये काम करता है, और साथ ही 5.3 इंच की HD+ रेजोल्यूशन वाली आपको इसके अंदर डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। उसी के साथ दोस्तों स्मार्टफोन में बैक में सेंसर है 8 मेगापिक्सल का, फ्रंट में 5 की सेल्फी देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ दोस्तों इस स्मार्टफोन में एक 3000mAh की बैटरी भी देखने को मिलती है, और 512GB स्टोरेज एक्स्ट्रा भी बढ़ा सकते हैं SD कार्ड के जरिए। फीचर्स दोस्तों इसके भी काफी अच्छे हैं, खासकर इसकी जो ब्रांडिंग है वो काफी कमाल की, क्योंकि सैमसंग ब्रांडिंग है तो बिल्ड क्वालिटी काफी कमाल की मिली जाएगी। सो ये दोस्तों लिस्ट का टॉप 2 मतलब कि दूसरी लिस्ट में बेस्ट स्मार्टफोन आता है। तीसरे स्मार्टफोन की दोस्तों मैं बात तो कर रहा हूं, लेकिन मैं पर्सनली रेकमेंड नहीं करूंगा स्मार्टफोन को, लेकिन फिर भी मैं तीसरे स्मार्टफोन की आपको बताना चाहूंगा, जो कि दोस्तों हमारा iCal की ब्रांडिंग के साथ आता है। ये दोस्तों वो है iCal 210। जी हां दोस्तों, इसकी प्राइस वैसे 4,299 रुपये है, लेकिन मैं पर्सनली आपसे रिकमेंड करता हूं कि स्मार्टफोन को आप बिल्कुल मत लो, क्योंकि दोस्तों कुछ खास फीचर्स नहीं है, ब्रांडिंग भी कोई कमाल की नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर आप इस रेंज में भी कोई स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं क्या मिल जाएगा आपको। इसलिए मैं लिस्ट में तो ले रहा हूं, क्योंकि इस रेंज में कोई और स्मार्टफोन खास है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको लेना है तो आप किसी सेल का इंतजार जरूर कर सकते हैं। जो फिलहाल 6000 तक में आपको मिल रहे हैं, वो आपको 5000 में भी मिल जाएंगे अगर आप किसी सेल के दौरान उस स्मार्टफोन को लेते हैं। लेकिन फिलहाल लेते हैं तो आपके पास यही 3 चॉइस हैं, अगर आप iCal के फीचर्स की बात करें, यानी कि iCal 210 की, तो इसमें वैसे कुछ भी नहीं है। 5.5 की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, इसमें 2800mAh की बैटरी है, इस स्मार्टफोन में 5.5 मेगापिक्सल के सेंसर, यानी कि फ्रंट में और बैक में दोनों में ही 5 का सेंसर देखने को मिलता है। प्रोसेसर भी घटिया सा आपको देखने को मिलता है, और साथ ही ये एंड्रॉइड 6 पर, यानी कि छोड़िए यार, स्मार्टफोन को मत लीजिएगा दोस्तों। मैं सीधी सीधी कहूंगा, अगर आपको कोई फोन लेना ही है तो आप सैमसंग या फिर जियो फोन नेक्स्ट की तरफ जा सकते हैं। सस्ते में तो जियो फोन नेक्स्ट इस टाइम बेस्ट चॉइस है, क्योंकि वो एक अच्छे फीचर्स के साथ आपको आता है, और प्रगति OS आपको देखने को मिलता है, जो कि आपको ठीक ठाक OS है, लगभग सभी चीज़ें आपको उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप सैमसंग की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन मेरी एक पर्सनल रिकमेंड है कि आप किसी सेल का इंतजार करिए, किसी ऐसे स्मार्टफोन को ढूंढिए जो फिलहाल 5,500 या 6,000 की रेंज में हो। वो आने वाले टाइम में आपको आने वाले टाइम में साढ़े चार या पूरे पाँच हज़ार में आराम से मिल जाएगा। सो दोस्तों बस आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलेंगे दोस्तों ऐसी को नई कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय एंड जय हिंद, और जियो फोन नेक्स्ट लीजिएगा, वो सबसे बेस्ट।